खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी नई नई डिशेस कहाँ से निकालते रहते हैं देखिए जितनी नई और पुरानी डिशेस होती हैं वो सब आपसे आती हैं आपकी डिमांड्स आती हैं आप कहते हैं हमें आप ये क्यों नहीं बताते कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने वो डिश का नाम भी नहीं सुना होता लेकिन फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ ट्राई करता हूँ और वो ट्राई करने के बाद फिर एक बार फिर से आपको बताता हूँ और एक ऐसी ही डिश जिसकी आपने डिमांड की है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ चिकन और कोकोनट सूप इसके लिए हमें चाहिए तीन चिकन ब्रेस्ट बोनलेस चार कप चिकन स्टॉक या पानी एक बड़ा चम्मच नींबू का रस कुछ नींबू के पत्ते थोड़ी सी लेमन ग्रास दो हरी मिर्च एक बड़ा चम्मच ब्राउन शुगर एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक और तीन चौथाई कप कोकोनट मिल्क ये सूप बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए जो तैयारी थोड़ी सी करनी पड़ती है वो है चिकन स्टॉक बनाने के लिए चिकन स्टॉक भी बनाना बहुत आसान है यदि आप उसको बल्क में भी बनाना चाहें तो बना के रख सकते हैं जब भी आप कभी चिकन खरीदें उसमें से यदि आपने चिकन की हड्डियाँ कुछ बचाई हैं तो उसको पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल लें करीब आधे घंटे तक और उसके बाद उसको छान लें तो जो बचेगा वो है चिकन स्टॉक एक बर्तन में चिकन स्टॉक ले लें और ये जो बोनलेस चिकन है चिकन की ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इसके अंदर डालें और इसके साथ इसमें डालें नींबू की पत्तियां थोड़ी लेमन ग्रास इसके साथ में प्याज चॉप करके इसके अंदर हम डालेंगे और इसके साथ इसमें अदरक डाल दें अदरक के पीसेस काट लें और अब इन चीजों के साथ इसको पकने दें करीब 20 मिनट तक यानी जब तक जब तक वो चिकन जो हमने इसमें डाला है वो पक जाएगा इसको आप ढक के इसको 20 मिनट तक पकाएं 20 मिनट तक जब ये चिकन इस स्टॉक के अंदर पक जाए और इसके अंदर ये जो लाइम लीव्स हमने डाली हैं और जो लेमन ग्रास डाला है उसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसको हम छान लेंगे पहले इसके जो चिकन के पीसेस हैं उसे निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हम छान लेते हैं इसमें से जो लेमन ग्रास की खुशबू है बहुत अच्छी है आ रही है साथ में जो हमने अदरक डाला था उसकी भी काफी अच्छी फ्लेवर है और एक बार फिर से इसको उसी बर्तन में डाल लें और ये जो चिकन है पक चुका है उसके हम लंबे लंबे पीसेस काट लेते हैं और उसके बाद इसके इस तरह से टुकड़े काट लें जब इसके अंदर उबाला आ जाए तो इसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल दें। कोकोनट मिल्क यदि आपको बाजार में मिलने में दिक्कत होती है वैसे तो उसके टिंस मिल जाते हैं नहीं तो आप अपने आप भी कोकोनट मिल्क बना सकते हैं आप कोकोनट को पहले ग्रेट कर लें और उसके बाद मिक्सर में पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसे एक महीन कपड़े में से जैसे मसल क्लॉथ के अंदर से छान लें तो जो दूध निकलेगा वो कोकोनट मिल्क कहलाता है अब इसके अंदर ब्राउन शुगर नमक और इसमें तीखापन देने के लिए इसमें हम हरी मिर्च काट के डालते हैं आप चाहें तो इसमें फ्रेश लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और ये जो चिकन के पीसेस थे उसको हम इसमें डाल देते हैं इसे करीब तीन से चार मिनट तक फिर से पकने दें ताकि इसमें जो मिर्ची का फ्लेवर है वो इसके अंदर चला जाए और इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी खटाई डालेंगे क्योंकि हमने इसमें नींबू का इस्तेमाल किया है तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसको फिनिश करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसिल आप चाहें तो बेसिल लीव्स जो फ्रेश होती हैं उसको भी डाल सकते हैं नहीं तो आप ड्राइड हर्ब भी थोड़ी सी डाल सकते हैं और उसके बाद जो चीज तैयार होगी वो इतनी लजीज होगी इतनी फ्लेवरसम होगी इतनी टेस्टी होगी क्योंकि आप देखिए इसके अंदर सारे टेस्ट हैं इसके अंदर नमकीन टेस्ट है इसके अंदर मीठा टेस्ट है इसके अंदर खट्टा टेस्ट है इसके अंदर तीखा टेस्ट है और इसके अंदर काफी इसको सब चीजों को स्मूथ करने के लिए कोकोनट का इस्तेमाल किया गया है और फ्लेवर वाले ही हमने काफी सारी चीजें इस्तेमाल की हैं इसमें हमने लाइम लीव्स का इस्तेमाल किया है इसमें हमने लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया है इसमें हमने बेसिल का इस्तेमाल किया है तो इन सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो चीज़ तो बढ़िया बनेगी तो पीजिए गर्मा गर्म चिकन एंड कोकोनट सूप अभी तो हमने देखा चिकन और कोकोनट सूप बनाने का तरीका जिसमें हमने लेमन का बहुत भरपूर इस्तेमाल देखा यानी लेमन ग्रास लेमन जूस लेमन लीव्स लेकिन एक अहम हिस्सा नींबू का और रह गया था जिसका इस्तेमाल होना चाहिए तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी डिश बनाए जिसमें लेमन राइंड यानी नींबू के छिलके का इस्तेमाल हो तो देखिए प्रॉन करी विद लेमन राइंड इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम हेडलेस प्रॉन्स चार हरे प्याज एक बड़ा कप कोकोनट मिल्क नमक स्वादानुसार आधा कप फ्रेश कोरिएंडर, दो बड़े चम्मच कोरिएंडर सीड्स एक छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच लेमन ग्रास पाउडर एक छोटा चम्मच लेमन राइंड, एक छोटा चम्मच लहसन चार हरी मिर्च इसके लिए सबसे पहले जो प्रॉन्स हैं वो आप उसको डीवेन कर लें यानी कि उसके पीछे चीरा लगा के उसके बीच की जो नस काले रंग की रहती है उसे निकाल लें हमें इसके लिए हेडलेस प्रॉन चाहिए यानी कि उसका सिर निकला होना चाहिए और उसके बाद प्रॉन को छील के उसको डिवेन कर लें इसके लिए हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं जैसा कि आपने देखा है कि इसमें हम हरी मिर्च हरा धनिया इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये जो ग्रेवी बनेगी वो थोड़ी सी हल्के हरे रंग की होगी इसके लिए हम स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी पीस लेते हैं हम एक पेस्ट बना लेते हैं सब मसालों और प्याज को मिला के प्याज के साथ उसके थोड़े से छिलके भी हम ले लेते हैं इसके साथ इसमें हरी मिर्च डालें जितना तीखा आपको खाना है उस हिसाब से हरी मिर्च का इस्तेमाल करें आप और इसके साथ इसमें सूखा धनिया जीरा लहसन, लेमन ग्रास पाउडर और लेमन राइंड लेमन राइंड बनाना बहुत ही आसान है आप एक नींबू ले लें ले और ग्रेटर ले लें और उसपे नींबू को रगड़ें पर इतना नहीं कि वो एकदम अंदर तक चला जाए साथ साथ नींबू को घुमाते रहें ये देखिए इस तरह से इसको करें और ये जो नीचे रहेगा ये लेमन राइंड है इसके बाद इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर और नमक डालें इन सब चीजों को इकट्ठे पीस लें इसके बाद हम ये जो कोकोनट मिल्क है उसको गर्म कर लेते हैं इसे हमें रिड्यूस करना है जब ये कोकोनट मिल्क रिड्यूस हो जाए उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाई थी उसको इसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके अंदर ये देखिए बहुत अच्छा हरा रंग इसमें आ गया है क्योंकि जो कोकोनट मिल्क की वाइटनेस थी उसकी वजह से इसका जो हरा रंग है बहुत अच्छा निखर आया और इसके अंदर जो फ्लेवर है लेमन का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ रहा है जब इसमें एक उबाला आ जाए तो उसके बाद इसमें प्रॉन डालें प्रॉन को अच्छी तरह से मिक्स कर दें इसके साथ यदि आप चाहते हैं इसकी ग्रेवी बढ़ाना तो पानी इसके अंदर आप डाल के इसको बढ़ा सकते हैं इसके बाद आप इसको धीमी आंच पर करीब तीन से चार मिनट तक पकाएं क्योंकि कोई भी ऐसी फिश शेल फिश जब भी आप पकाएं तो उसको कम से कम समय तक पकाएं क्योंकि यदि ज्यादा पकाएंगे तो वो और सख्त होती जाएगी टफ होती जाएगी इसलिए एकदम इसकी कुकिंग राइट टाइम तक होनी चाहिए आप देखेंगे कि ये पकने के बाद जो प्रॉन्स हैं वो थोड़े श्रिंक हो जाते हैं वैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये प्रॉन पकने के बाद श्रिंक क्यों हो जाते हैं और हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है कि ये जब प्रॉन पकते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा शर्मा जाते हैं यदि ज़्यादा शर्मा जाएंगे तो इसका मतलब है खाने लायक नहीं है तो ध्यान रखिए कि थोड़े से शर्माने चाहिए प्रॉन और उसके बाद इसको आप सर्व कर लें ऊपर से लेमन राइन डालकर कोकोनट प्रॉन करी के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी डिश बनाई जाए फिश की जिसके अंदर भी नींबू का टेस्ट हो लेकिन थोड़ी सी फर्क है फ़िश के, के केक बनाएंगे जी हाँ फ़िश के केक वैसे है ये फिश की टिक्की तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी 400 ग्राम गोल या बेकती फिश तीन बड़े चम्मच राइस फ्लार आधा कप बीन्स बारीक कटी हुई आठ से दस नींबू की पत्ती बारीक कटी हुई एक अंडा नमक स्वादानुसार रेड चिली पेस्ट एक बड़ा चम्मच और तलने के लिए तेल फिश केक बनाने के लिए जो फिश है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए वैसे तो कोई भी फिश जब भी आप बनाएं तो एकदम फ्रेश होनी चाहिए और इसके लिए हमें बोनलेस फिश चाहिए हमने यहाँ पे गोल्ड फिश का इस्तेमाल किया है आप उसको पहले रफली पतला पतला काट लें यानी छोटे छोटे पीसेस में उसको काट लें और उसके बाद इसको हम मिक्सर के अंदर पीसेंगे आप चाहें तो इस डिश को फिश की जो पेटी होती है उसे भी बना सकते हैं जब ये फिश अच्छी तरह से पिस जाए उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिलाएंगे ये देखिए फिश कुछ इस तरह की हो जाएगी इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है और इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई बीन्स स्वादानुसार नमक और रेड चिली पेस्ट ये डालना है क्योंकि यहां पर मैं काफी स्पाइसी फिश केक बना के दिखाने वाला हूं आपको ये जो पेस्ट है इसके लिए आप सूखी लाल मिर्च ले लें उसके अंदर थोड़ा अदरक थोड़ा लहसन थोड़ा आपने जो पहले मैंने आपको लेमन राइन दिखाया था थोड़ा वो थोड़ा नींबू का रस नमक और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डाल के इस चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लें उसे ये पेस्ट बनाई गई है और उसके बाद इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके अंदर हम नींबू की पत्तियां थोड़ी सी उसको भी बारीक काट के डाल देंगे और उसके बाद इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप चाहें तो अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं क्योंकि जितना अच्छा मिक्स हाथ से होता है क्योंकि जब हाथ से आप मिक्स करते हैं तो खाने के अंदर जो प्यार है जो एनर्जी आपकी है वो भी उसके अंदर जाती है लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें जब भी खाने में हाथ लगाएं तो हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए वैसे भी सुनते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना वो इसी वजह से क्योंकि जब हाथ खाने में लगता है तो प्यार उसके अंदर जाता है इसमें थोड़ा चावल का आटा मिला लें चावल का आटा यहां पे बाइंडिंग का काम करेगा कुछ लोग फिश को बॉईल करके उसके बाद भी इसको बनाते हैं लेकिन अगर आप कच्ची फिश से बनाएंगे तो फिश ओवर कुक नहीं होगी उसके बाद इसको टिक्की की शेप दे दें इसी तरह से बाकी टिक्कियां भी बना लें इन टिक्कियों को हमारी लैंग्वेज में केक्स कहा जाता है जब फिश के ये बनते हैं तो इनको फिश केक कहा जाता है और उसके बाद इनको रोल कर लें इस आटे में जो चावल का आटा है और एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दें और इसके बाद इसको गरम तेल के अंदर फ्राई करें आप चाहें तो ये फिश केक नॉन स्पाइसी भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमने रेड चिली पेस्ट का इस्तेमाल किया है इसकी वजह से काफी तीखा बनेगा यदि आप चाहें तो इसको बगैर मिर्चों का भी बना सकते हैं इसको करीब पांच मिनट तक तेल में फ्राई करें या जब तक तब तक इसका बाहर का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अब ये जो फिश केक्स हैं ये तैयार हो गए हैं देखिए कितना अच्छा रंग इसमें आ गया है एक तो पहले इसका अच्छा जो रंग है वो मिर्चों की वजह से था अब दूसरा अच्छा रंग इसका फ्राइंग की वजह से आ गया आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म ऐसे ही खा सकते हैं किसी चटनी या सॉस के साथ नहीं तो चाहें तो आप इसको मेन कोर्स के लिए भी खा सकते हैं थोड़ी सी इसके ऊपर कोई सॉस या ग्रेवी मारकर उसके अंदर इसको भिगो के रखें थोड़ी देर किसी ग्रेवी के अंदर ग्रेवी में पकाएं ताकि वो जो ग्रेवी है उसका भी टेस्ट इसके अंदर आ जाए मर्जी आपकी है कैसे खाना चाहते हैं आप ये फिश केक्स